निगोहा क्षेत्र में रंजिश के चलते घर चबूतरे और शहर में लगा दिया कूड़ा का ढेर। कुछ दिन पूर्व दर्ज हो चुका मुकदमा। इसके बावजूद कूड़ा कचरा डालने के साथ दे रहे पीड़ित को धमकी। राजधानी लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र अंतर्गत दयालपुर के मजरा गोंडियन खेड़ा गांव निवासी मजदूर शिव कुमार ने बताया कि गांव के कुछ दबंगों द्वारा रंजिश के चलते घर और सहन पर जबरन कूड़ा कचरा डालकर गंदगी फैला रहे हैं। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद आक्रोशित दबंगों द्वारा कूड़ा कचरा डालने के साथ ही उसे आए दिन धमका रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की। सुनिए क्या कहना है पीड़ित का। शिव कुमार नाम है हमारा, हम गोड़ियन खेड़ा के रहने वाले हैं, गोड़ियन खेड़ा दयालपुर थाना निगोहा। क्या मामला है? मामला सर ये है कि हमारा 18/7/2023 से हम लगातार तहसील दिवस थाना दिवस जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे घर में घूरा डाला जा रहा है, कूड़ा करकट, और तीनों कृष्ण कुमार, महेश और राम आश्रय तीनों लोग संगठन बना करके हमें घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। मेरे घर की रास्ता बंद कर दी गई। गाँव के ही निवासी हैं, केवल जो है रंजिश बस हमें रहने नहीं दिया जा रहा मेरे घर में। इसकी आपने शिकायत कहां? हमने तहसील दिवस में कई प्रार्थना पत्र दिए और थाना दिवस में भी दिया है, लेकिन पुलिस जाती है हटाने को कहे आती, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। इसमें नायब तहसीलदार, लेखपाल, सब कोई आ गया है, लेकिन किसी का कहना नहीं मान रहे हैं वो लोग हटा नहीं रहे और हमारे घर तक कूड़ा डालने लगे हैं। जब से थाना निगोहा की पुलिस कहने गई कि हटा लो, तब से वो हमारे घर के अंदर तक डालने लगे। हमारे घर में हमारी लड़की की 14 दिसंबर को बारात आने वाली है, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? 14 दिसंबर को मेरी लड़की की बारात है। आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा? हमारी समस्या का हल नहीं किया जा रहा निगोहा थाना द्वारा। इसका मुकदमा लिखा गया है। इसका मुकदमा पंजीकृत है 269, 270, 506 मुकदमा लिखा है निगोहा थाने में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जमीन पर विवाद है, उसका घाटा संख्या 946 है सर उसका। या सर हमने लिया था घर बनाने के लिए, सर 2019 में लिए थे। इसकी शिकायत और कहीं करी है? जी सर, हमने इसकी मुख्यमंत्री के पास भी शिकायत की है, जॉइंट कमिश्नर साहब के पास भी की है। अच्छा, अभी समस्या का निस्तारण? अभी हमारी समस्या वैसे की वैसे बनी है, और उससे ज़्यादा आप धमकी दे रहे हैं कि तुमको देख लेंगे। अच्छा। जान मान का मेरे खतरा है। 14 दिसंबर को हमारे घर में हमारी लड़की की बारात आने वाली है।